हेलो गाइस, आपका कैमरसन पाई डिजिटल में स्वागत है। तो आज की ये वीडियो आपकी Q&A की वीडियो है। आप में से बहुत सारे लोग Q&A कर रहे थे और लास्ट वीक फिर मैंने अनाउंसमेंट कर दी थी तो लोग फिर भी पूछ रहे थे Q&A की वीडियो कब आ रही है, जबकि मैंने बोला था संडे को आ रही है। बट ठीक है, फाइनली आपकी Q&A की वीडियो आ रही है। और अगर आपको नहीं पता कि Q&A की वीडियो क्यों आ रही है, क्योंकि हमारे चैनल को 1 साल हो चुके हैं, मतलब कल हुए थे 1 साल, अभी संडे को आ रही है। तो हाँ, जो लास्ट ईयर है बहुत अप्स एंड डाउन्स वाला गया था, अच्छा ईयर गया। 1 साल में 8,000 सब्सक्राइबर्स हो गए हमारे। मेरे को तो लगता है कि 8,000 सब्सक्राइबर्स ना तो ज्यादा होते हैं ना तो कम भी होते हैं, तो एक अच्छा नंबर है 8,000 सब्सक्राइबर्स 1 साल में, जो कि एक अच्छी बात है मेरे लिए। तो और इसके लिए आपको बहुत बड़ा शुक्रिया, क्योंकि 1 साल आप लोगों ने मेरे को मेरे अचीवमेंट्स को भी पहुंचाया, या जो भी मेरा गोल था काइंड ऑफ ठीक चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, गोल की तरफ चल रहा हूं। तो जो भी है, चलिए Q&A शुरू करते हैं। वैसे मेरे को पता तो नहीं Q&A की, पहला Q&A ज्यादा आइडिया नहीं मेरे को कैसे करना था और कैसा नहीं, जितने क्वेश्चन मैं ले सकूं उतना लूंगा और रिपीटेटिव क्वेश्चंस को मैं ज्यादा नहीं लूंगा। पहली जो एकदम रिपीटेटिव और कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, जो आपके बायोडाटा जो इंटरव्यूज में लेते हैं, मैं वो वाले क्वेश्चंस पहले लेता हूं, ज्यादा पर्सनल क्वेश्चंस मैं नहीं उठाऊंगा। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं ये Dragon1412 का। वैसे तो ये सिर्फ इनका क्वेश्चन ही है, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था, इनका क्वेश्चन मैं उठा रहा हूं। तो इन्होंने पहले पूछा है कि मेरा नाम क्या है। मेरा नाम आहन है, ऐसा नहीं कि मेरा नाम कहीं छुपा हुआ है। मैं पीसी वाले की लाइव स्ट्रीम में आता हूं, टेक्नीशियन के साथ वीडियो बनाया, ऐसा तो है नहीं कि मेरा नाम छुपा हुआ है, बट बहुत सारे लोगों को नहीं पता। तो मेरा नाम आहन है और मेरी एज क्या है, मेरी एज 20-21 है, अगस्त में मेरा बर्थडे आता तो लगा लो। और वेयर डू यू लिव, मैं दिल्ली में रहता हूँ। और मेरा फेस रिवील की तो बात ही नहीं है, मैं पूरा ही रिवील्ड हूँ। बस यही कि मैं अपने चैनल में रिवील नहीं हूँ, मैं दूसरों के चैनल में रिवील्ड हूँ। बट हाँ, मैं जल्दी से फेस कैम वैसे कैम करने की कोशिश करूंगा जल्दी, देखते हैं वो कब आता है। और सेटअप टूर 10K के अराउंड में लेके आने की कोशिश करूंगा, वैसे तो इतना कुछ खास नहीं है बट हाँ। और आर यू स्टिल स्टडिंग, तो नहीं वैसे फिलहाल, तो अभी तो नहीं कर रहा मैं कुछ। और हाउ डू यू गेट मनी टू बाय गेम्स, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इन्होंने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। तो देखिए, मैं कैसे गेम्स बाय करता हूँ, मेरे पैसे कहाँ से आते हैं। देखो, अब YouTube वीडियो को एक सेकंड के लिए हटा देते कि वहां से पैसे आ रहे हैं, कहीं से पैसे आ रहे हैं। मैं पहले से बहुत टाइम से गेम्स बाय कर रहा हूँ। तो क्या होता था कि जैसे कि मेरे को स्कूल से 10 रुपए या 20 रुपए या कुछ कुरकुरे खाने को मिल गया, या लंच के टाइम पे जाके कैंटीन से ले खाने के लिए कुछ पैसे मिल जाते थे, तो मैं उसको सेव कर लेता था। और जब उसको सेव कर लेता तो आपकी जो सेल होती थी, स्टीम की समर सेल हो गई, विंटर सेल हो गई, ऐसा तो है नहीं कि डेली आते हैं, कुछ मंथ्स के बाद आते हैं, तो एक अच्छा खासा पैसा मेरे पास जमा हो जाता था। और वैसे मेरे घर वालों ने कभी ये नहीं बोला कि तू गेम में मत खेल, मेरे घर वालों ने बोला कि तू पढ़ ले और गेम कर, जितना तेरे को गेम खेलना खेल बट तू पढ़ ले। तो मैं पढ़ता भी था तो मेरे को गेम खेलने को मिल जाता था। और जब मेरे पास, और पहले तो कार्ड वार्ड तो होता नहीं था मेरे पास, तो मैं पापा को पैसे देता था और वो मेरे को अकाउंट से गेम खरीद के दे देते थे। तो ये था। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है या तू बहुत अमीर है इसलिए तू गेम खरीदता है, मैं तो पायरेसी करूंगा ये करके। तो भाई देखिए, ये तो आप लोगों की मेंटालिटी है, मैं तो भाई सेव करता था और उसी से मैं खरीदता था। तो ये है, आपको अगर पता नहीं था तो मैं आपको बता दिया। और अगर पैसे से बात हुई तो मैं YouTube अर्निंग्स की भी बात कर लेता हूँ, वो भी बहुत सारे लोगों ने पूछा था। आने वाले जो क्वेश्चंस है वो YouTube अर्निंग के ऊपर भी है, बट यहीं पे मैं मेंशन कर देता हूँ। देखो भाई, YouTube से कोई इतनी अर्निंग नहीं होती, मैं तो कहता हूँ। अगर आपके 5-8 हज़ार सब्सक्राइबर्स हैं तो आपकी इतने कोई अर्निंग नहीं होती है, तो चिल्लरी समझ लीजिए एक तरीके से, बट हाँ कुछ ना कुछ होता है। तो ये है, और ठीक से तो मैं आपको बता भी नहीं सकता वैसे तो क्या ही है। नेक्स्ट टाइम मे बी आपको मैं खुल के बता पाऊँ, और भी बहुत सारी चीजें पर्सनल क्वेश्चंस थे, मे बी नेक्स्ट टाइम आपको मैं बता पाऊंगा। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये नमन चतुर्वेदी की तरफ से आया है। इन्होंने बोला है कि #Q&A आयुष को कब से जानता है और गैम्बिट से पूछो # ये यूज करना था। तो भाई देखो, हाँ ये अच्छा था, बट पहला Q&A था तो मेरे को ज्यादा आइडिया तो नहीं। तो जो भी है, आयुष को मैं अराउंड 2 साल से या 2.5 साल से जानता हूँ अच्छी तरीके से, उससे पहले भी बात होती थी इवेंट में, तो अच्छी तरीके से जानता नहीं था, तो वही था। और मैं आयुष को वैसे इवेंट्स के थ्रू ही जानता हूँ, वो है। और पीसी वाले के बारे में तो ज्यादा पूछा नहीं, तो उसके बारे में बाद में बात करते हैं। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये अर्पित के की तरफ से है, #Q&A व्हाट इज योर फेवरेट जॉनरा ऑफ गेम्स। तो भाई मेरे को एडवेंचर टाइप की RPG गेम्स पसंद है, तो ये है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कूल नूब की तरफ से आया, ये फेवरेट हेंटाई एंड डिस्क्राइब्ड। भाई ये कैसा क्वेश्चन पूछा यार तुमने, और फिर नीचे लिख भी रहे हैं कि डोंट कॉल मी परवर्ट और सिनेरियो बताओ कि मेरे को कैसे। अच्छा भाई यार, अब सिनेरियो भी जानना। देखो मैं हेंटाई वेंटाई देखता हूँ तो मैं कोई नाम वाम याद नहीं रखता, भाई तुम भी मत याद रखो करो, क्या छोटी छोटी चीजों के नाम याद रखते हो। बट हाँ, जो लेटेस्ट आते हैं जिनका एनिमेशन अच्छा हो तो वही सब चलता भाई, ऐसे कोई छुपाने वाली बात तो है नहीं, ठीक है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टॉर्म जानकारी, तो मेरा ही एडमिन है, बढ़िया दोस्त है मेरा। तो उसने पूछा है कि योर फेवरेट टाइप ऑफ कैटेगरी ऑफ गेम्स। तो भाई मेरे को, मैंने जैसे बता दिया, मेरे को RPG गेम्स पसंद है और एडवेंचर गेम्स भी मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है। फेवरेट
लेट आई तो मैंने यार बोल दिया भाई, मैं नाम याद नहीं रखता, बट हाँ जो लेटेस्ट चल रहा है मैं उसी को देख लेता हूँ। और फिर फेवरेट एनिमे तो भाई मेरे दो तीन है, मैं इन तीनों को ऊपर टॉप पे रखता हूँ, इनके अलावा मैं सेकंड नंबर किसी और को दूंगा। तो मेरा फेवरेट है कोड गियास, वन पीस और ओरेगायरू। अगर आप लोगों ने ये तीनों एनिमे नहीं देखे तो जरूर से देख लीजिए, मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है। टॉप थ्री थिंग्स दैट यू लाइक इन लाइफ, तो भाई यार देखो तीन चीजें जो मैं लाइक और डिसलाइक करता हूँ भाई बताना थोड़ा मुश्किल है, तो उसको मैं शायद से स्किप कर दूं। हाँ स्किप कर रहा हूँ मैं क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा। वेयर इज द माउस एंड हेडफोन रिव्यूज, अच्छा हाँ मैंने माउस और हेडफोन लिया था आपको पता ही है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको सारी मेरे कॉम्पिटेंट्स की लिस्ट तो आपको मिली जाएगी, पूरा लिखा हुआ रहता है। रिव्यूज मैं डालूंगा, जल्दी डालता हूँ। और सेटअप टूर कब, तो वही मैंने आपको बोल दिया 10K के बाद। और नेक्स्ट अनिरुद्ध भाई का क्वेश्चन है कि आपको यूट्यूब स्टार्ट करने का आइडिया कहाँ से आया। यूट्यूब स्टार्ट करने का आइडिया तो भाई मेरे पास 4-5 साल से था। ऑब्वियसली जब 4-5 साल पहले बड़े बड़े कॉमेडियन ये सब फेमस हो रहे थे, हर किसी को खोलने का तो मन करता ही था, बट मैंने कभी खोला नहीं, मैं सोचता था कि क्या ही खोलूंगा मैं। और फिर लास्ट ईयर मेरे को आयुष ने बोला, टेक्नीशियन ने बोला कि चलना चैनल खोल ले या वो करके, और मैंने बस खोल दिया एकदम से। मैंने बोला चलो डाल देते हैं, और मैं डाल दिया वीडियो, और फिर ठीक है जैसे कि आप देख सकते हो मेरी पहली वीडियो जाके देख लो फिर। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन D4K गुरु का आया है, #QNA, गेमिंग चैनल कब खोलोगे। गेमिंग चैनल का अच्छा आइडिया तो है कि दो चैनल में एक, इस चैनल को तो मैंने वैसे तो एक गेमिंग चैनल ही है, बट अपडेट्स एंड न्यूज वाला चैनल ज्यादा बना हुआ है। तो यार देखो दो चैनल रन करना इस समय मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है, मे बी इन फ्यूचर में। और नेक्स्ट क्वेश्चन स्काई रेंजर की तरफ से है, #QNA, ब्रो कैन यू प्लीज एक्सप्लेन व्हाई यूबीसॉफ्ट नॉट रिलीजिंग लेटेस्ट गेम ऑन स्टीम। तो मैं आपको बता देता हूं कि देखो भाई यूबीसॉफ्ट को पैसा चाहिए। अब देखो पैसा कमा रही है वो, कोई गलत बात तो नहीं है, बट एट द एंड यूजर को प्रॉब्लम होती है, एज अ गेमर को प्रॉब्लम है क्योंकि स्टीम मेनली यूज करते हैं, बट ठीक है भाई देखो उनको पैसा चाहिए तो उन्होंने एक्सक्लूसिव कर दिया एपिक गेम स्टोर में, तो उनको एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं, तो ये देख लो आप। और फिर इन्होंने बोला कि एपिक गेम स्टोर की लैक ऑफ पेमेंट, हाँ भाई देखो ये तो प्रॉब्लम है, इसके बारे में तो मैं भी कुछ नहीं कह सकता। फिर नेक्स्ट गेम है X9Zap की तरफ से, योर फेवरेट गेम स्टोरी गेम। तो मेरे को तो भैया स्टोरी गेम में होराइजन जीरो डॉन पसंद है, आप लोगों को पता ही है। उसके साथ साथ बोला जाए तो मेरे को माफिया 2, फार क्राई 3, अभी यही दो तीन गेम्स याद आ रही हैं। और फिर अजान खान बोल रहे हैं कि व्हेन विल वन पीस एंड, तो मैं तो नहीं चाहता कि भाई वन पीस एंड हो, अगर आप चाहते हो तो भाई देख लो भाई, मेरे को वन पीस एंड नहीं चाहिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन चैरी ड्रमर की तरफ से आ रहा है कि क्या आप भी आयुष की तरह रेड हार्ड ड्राइव रखते हो स्टडी मटेरियल पर्पस। तो भाई देखो ऑनलाइन है तो ऑनलाइन सब मिल जाता है मेरे को। शेख रोमन पूछ रहे हैं कि गैम्बिट भाई आपके हिसाब से बेस्ट स्टोरी एनीमे कौन सा है। देखो भाई सबके हिसाब, सबका जो अपना अपना पर्सनल ओपिनियन होता है, लोग बोलते हैं कि भाई इसकी स्टोरी अच्छी है, इसकी स्टोरी अच्छी है। तो भाई देखो अगर आप कोई भी एनीमे के 5 एपिसोड या 2 एपिसोड देखोगे तो उसमें तो आपको स्टोरी समझ में तो आएगी नहीं। जैसे कि मैं बोलता हूँ कि वन पीस की स्टोरी वन ऑफ दी बेस्ट है अगर मैं बोलूँ तो अब लोग क्या करते हैं कि 900 एपिसोड सोच के नहीं देखते हैं या तो 5 एपिसोड देखते हैं। अब 5 एपिसोड में देख के 900 एपिसोड का एनिमे का लोग जज करके बोलते हैं ये बेकार है, तो ठीक है। नहीं तो वन पीस की स्टोरी बहुत अच्छी है अगर आप 900 एपिसोड इन कर सकते हो तो। या फिर नॉट योर यार बोल रहे हैं कि Q&A, इफ यू कुड चेंज वन थिंग अबाउट गेमिंग कम्युनिटी व्हाट वुड बी इट। तो भाई देखो गेमिंग कम्युनिटी में मेरे को क्या चेंज करना है यार। देखो गेमिंग कम्युनिटी में ना लोग एक ही तरह की गेम्स खेलते रहते हैं, मतलब कि अगर वैलोरेंट है तो वैलोरेंट, पबजी है तो पबजी, एपेक्स है तो एपेक्स, सब एक ही गेम चलती है। थोड़ा डिफ्रेंशिएट होना चाहिए, बहुत सारे लोग करते भी हैं बट इतना होता नहीं है, फिर व्यूज आते नहीं उनके पास, वो एक ही गेम चिपके रहते हैं। और जो एक और चीज है जैसे कि लोग पायरेसी प्रमोट करते हैं। देखो अब मेरा जो चैनल का मोटिव था कि लोगों को पायरेसी कम करवाना, ठीक है, और गेम खरीदवाना। स्टार्टिंग में मैंने क्या किया पायरेसी कम कराने के लिए कि लोगों को फ्री गेम की आदत दिलाई, और लोग अभी भी फ्री गेम करते हैं। और अभी देखो जैसे कि स्टीम की समर सेल शुरू हो गई, तो स्टीम की समर सेल हो गई तो लोग खरीद भी रहे, कमेंट सेक्शन देखो मेरी वीडियोस के। तो मेरे लिए तो मेरा जो गोल है वो काइंड ऑफ चल ही रहा है, पूरा तो नहीं हुआ ऑब्वियसली, तो पूरा तो कभी नहीं होगा इस गोल, बट हाँ चल रहा है। और जो लोग पायरेसी कर रहे हैं वो तो चल ही रहा करेंगे ही, उनकी पर्सनल ओपिनियन है, हम कुछ नहीं होते बोलने वाले, बस हम मेरे का काम है कि एजुकेट करना, तो ये है। और लोग जो वीडियोस बना देगी और ये भाई मैं समझाने के लिए लोगों को वीडियो बना रहा हूं, तो यार मेरे को तो थोड़ा अजीब लगता है कि तुम पहले बता रहे हो कि पायरेसी ऐसे ये वो फलाना फलाना, ये गेम क्रैक हो गई और फिर तुम बोलते हो कि मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो ये एक अलग ही चीज आती है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपका आ रहा है सोल टिन ऑन की तरफ से, ये पूछ रहे हैं कि हैव यू एवर थॉट कंप्लीटली शिफ्ट ऑन कंसोल गेमिंग एंड यूजिंग पीसी जन नॉर्मल वर्क। इसके बारे में मैंने बहुत बारी सोचा है, अच्छा अच्छा चीज है, मैंने सोचा तो है क्योंकि भाई कंसोल गेमिंग, बट
कौन 50,000 रुपये एक कॉन्सोल और ले, जब पैसे आएंगे तब की तब देखेंगे, अब इतना नहीं है भाई, ठीक है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ये आपके आ रहा है विश्वराज दत्ता की तरफ से Q&A, और ये लिख रहे हैं कि आई लव व्हाट यू डू, इट जस्ट सो सैटिस्फाइंग फॉर मी दैट पीपल इन इंडिया और टू लिव पायरेसी, ट्रस्ट मी गाइज पायरेसी इजंट कूल, सो गैम्बिट हाउ डू यू सी दीज पीपल हु पायरेट स्टफ। तो देखो यार मैंने इसके बारे में अभी जस्ट जैसे कि आपको बताया, लोग अगर पायरेट कर रहे हैं तो देखो हर किसी का अपना अपना प्रॉब्लम होता है। अब जैसे कि किसी को कुछ यूज करना है तो देखो मैं तो सजेस्ट करता हूँ कि ऑल्टरनेटिव ढूंढो। अगर आप किसी चीज का ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हो, जैसे कि आप किसी को प्रीमियर प्रो चाहिए, अब मैं मानता हूँ कि प्रीमियर प्रो भाई $20 पर मंथ का ऐसी कुछ का मिलता है, $20-30 का, तो कौन देगा इतना पैसा? तो ऑब्वियस ही बात है वो पायरेसी की तरफ जाने की कोशिश करेगा। बट अगर आप लोग ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हो तो आपको डाविंची रिजॉल्व मिल जाता है, जैसे कि जो मैं यूज करता हूँ, और आपको अगर हिट फिल्म है, और आपको बहुत सारे ऐसे ऑल्टरनेटिव ऑप्शन मिल जाएंगे। तो ये है। और हाँ जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि मेरा जो गोल था काइंडा कि मेरे को पायरेसी कम करवानी है, लोग अभी गेम खरीद रहे हैं जो कि एक बहुत अच्छी बात है, बट हाँ पूरी तरफ से तो खत्म नहीं हो सकता, ये तो गारंटी की बात है। और फिर यूट्यूब यूजर बोल रहे हैं कि अडोब प्रीमियर प्रो या फिर कुछ और, एंड कुछ लोग पायरेसी भी करते हैं तो क्या उन्हें खतरा है क्या? भाई देखो यार अब तुम कहाँ से पायरेसी कर रहे हो या क्या कर रहे हो, तो भाई वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि यार खतरा तो होता ही है, ऑब्वियस सी बात है, अगर आप गलत वेबसाइट में जा रहे हो कहीं पे जा रहे हो तो खतरा तो होता ही है। अब ये डिनाई नहीं कर सकती वो मेरे को खतरा नहीं है, तो एटलीस्ट मिनिमम टू मिनिमम 1% का चांस होता है, क्योंकि आप फूल हो सकते हो, आप फूल हो सकते हो, फिशी साइट है, आपको फिशिंग करेंगे वो लोग, तो ये है, आप देख लो अपने हिसाब से। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये निंजा जो की तरफ से है, बोल रहे हैं कि गैम्बिट तो प्रीमियर प्रो यूज करता है ना, बिल दिखा अगर करता है तो। अरे भाई अरे हाँ आपका आप ही थे या कौन था, इंस्टाग्राम में भी आपने DM भेजा था कि प्रीमियर प्रो का बिल दिखा ज्यादा पायरेसी वाला बनता है ना। अरे भाई और एक्स यूट्यूबर का भी किसी नाम ले रहे थे, भाई देखो तुम और तुम्हारे एक्स यूट्यूबर भाई देख लो भाई कि भाई मैं प्रीमियर प्रो यूज नहीं करता, मैं डाविंची रिजॉल्व यूज करता हूँ, फ्री है, और भाई सब कुछ मैं पायरेसी के खिलाफ ही हूँ, तो भाई नॉर्मली मैं कोई भी पायरेटेड सब यूज नहीं करता हूँ मेनली, तो भाई देख लो। और हाँ अगर आपको मेरा बिल चाहिए तो भाई देख लो मेरा 0 बिल है, और मेरा डाविंची रिजॉल्व $300 का उसका प्रीमियम एडिशन आता, बिल मांग रहे हो तो मेरा पे भी कर दो, बिल मिल जाएगा आपको। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये डेजी पॉट की तरफ से है, आईपैड और लैपटॉप। तो भाई देखो आईपैड आपका लैपटॉप कभी नहीं बन सकता, आप कितना भी सोच लो कि आप आईपैड लेके लैपटॉप का काम करोगे, कितना भी उसको आईपैड को लैपटॉप जितना बना दे, बट वो लैपटॉप कभी नहीं होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है शुभम उपाध्याय की तरफ से, गेम में क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गेम प्ले स्टोरी ग्राफिक्स योर फेवरेट गेम आफ्टर होराइजन ज़ेरो डॉन। तो मेरा फेवरेट गेम होराइजन ज़ेरो डॉन के बाद आप माफिया 2 फार क्राई 3 ये सब बोल सकते हो, और मेरे लिए पहले स्टोरी मैटर करती है, फिर गेम प्ले, फिर ग्राफिक्स, ये 3 चीजें हैं मेरे को। जैसे एग्जांपल में इसका मैं दूं तो फेबल एनिवर्सरी एडिशन है, उसका स्टोरी लाइन बहुत अच्छा है, फनी है, कॉमेडी टाइप का मस्त है, और फिर गेम प्ले भी उसका अच्छा है, ग्राफिक्स ओल्ड है, अगर आपको ओल्ड ग्राफिक्स पसंद है तो ये है। और फिर लिख रहे हैं कि कांग्रेट्स ऑन 8K सब्स, अरे भाई थैंक यू भाई। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ई स्पोर्ट्स गैंग की तरफ से, भाई डेस्कटॉप पर आयुष की PNG क्यों है जरूर बताना। तो भाई यार देखो उसको ना जब मैं रखता हूँ ना PNG को, तो उसको पसंद नहीं आता, मेरे को हमेशा पॉइंट आउट करता है, तो मेरे को बस उसको चिढ़ाने में मजा आता है, तो हाँ ठीक है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है शुभम शंकर की तरफ से, आपको अपने अकाउंट में इतने सारे गेम्स देख करके कैसा फील होता है? तो भाई कभी कभार बहुत अच्छा फील होता है, कभी कभार बहुत बुरा लगता है, क्योंकि अगर मैं ध्यान से देखूं तो भाई पैसे बहुत ज्यादा उड़े हैं, बट ठीक है वर्थ इट आई गेस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है नूबला गेमिंग की तरफ से, स्टीम इज बेटर और एपिक। तो भाई स्टीम बेटर है, आपका भी प्रेफरेंस हो सकता है कि आपको सस्ती गेम्स मिल रही है एपिक में या कुछ, बट मेरे को स्टीम ज्यादा बेटर है। एलीट रेड बोल रहे हैं कि फेवरेट RPG, अचानक से पूछ रहे हो तो थोड़ा मुश्किल है भाई कि RPG कौन सा, आई गेस Witcher 3 बेस्ट RPG है मेरे हिसाब से। और फिर फेवरेट एनिमे गोड गियास, वन पीस, ओरेगैरो मेरे फेवरेट एनिमे है, रैपिड एनिमे और हेंटाई, तो यार एनिमे ठीक है। एंड नेक्स्ट रियाज गमरी और आसुना, तो भाई रियाज गमरी अटैक ऑन टाइटन, डेथ नोट, अटैक ऑन टाइटन। फिर टाइटन गेमिंग Q&A PC स्पेक्स, तो भाई देखो यार यहीं पे ना वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन है, उसके अंदर ही पूरा लिखा हुआ होता है, अगर आप में से कुछ लोगों को नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन में मेरे PC लिखे हुए हैं PC स्पेक्स। तो मेरा वैसे 3600 है, 5700 XT है, 16 GB RAM है, तो ये सब आप देख लो। और नेक्स्ट क्वेश्चन है ईविल सरकार की तरफ से, कैन यू प्लीज टेल मी हाउ टू सी पास्ट, अच्छा ये वो क्वेश्चन है कि कहां से देखे लोएस्ट प्राइसेस। तो आपको क्रोम के अंदर 2 एक्सटेंशन मिलेंगे, स्टीम DB के नाम से और ऑगमेंटेड स्टीम
के नाम से, तो इन दोनों को आप कर लीजिए, आपको सब कुछ देखने लग जाएगा। थंडर गेमर्स का इतना बड़ा क्वेश्चन, हाउ डिड यू एंड टेक्नीशियन बिकम फ्रेंड्स, तो भाई मैं 2 साल से जानता हूँ उसको, इवेंट में मिलता था, जैसे डिजिट वीडियो में चला गया, पीसी वाले की वजह से मैं जानता हूँ टेक्नीशियन को, तो या पीसी वाला बढ़िया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी पीसी वाले की, हाउ डिड यू एंड पीसी वाले बिकम फ्रेंड्स, तो मैं पीसी वाले को 100 अंडर 100 मतलब उसके डबल डिजिट में थे तब से मैं जानता हूँ, और या अच्छा दोस्त है मेरा, बहुत अच्छा दोस्त है, मैं बहुत टाइम से जानता हूँ, तो ठीक है, बहुत बढ़िया। इफ पीसी वाले एंड टेक्नीशियन आर इन फायर यू कैन सेव ओनली वन, अच्छा ये वो वाला क्वेश्चन है ना भाई, तो भाई देखो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि कहाँ पे आग लगी है। अगर कोई इवेंट है लाइक डिजिट विजिट का कोई इवेंट है, वहाँ पे आग लग रही है, तो मैं भाई उनको बोलूंगा भाई खड़े हो जाओ, पीसी वीसी पड़े होते हैं, पीसी उठाओ चलो निकलो, तो या ठीक है। हाउ मच यू अर्न लास्ट मंथ फ्रॉम यूट्यूब, देखो भाई मैंने बोल दिया भाई चिल्लर आते हैं, चिल्लर चॉकलेट खरीद सकते हो इजीली, चॉकलेट खरीद सकते हो ना, हाँ ऑब्वियसली खरीद ही सकते हो यार, क्या है मजाक कर। डज योर फैमिली सपोर्ट यूट्यूब, तो भाई देखो यूट्यूब सपोर्ट करते भी हैं, नहीं भी करते हैं, काम करोगे तो सपोर्ट करते हैं, लेटे रहोगे तो नहीं। और जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका किशित्स, जो भी भाई सॉरी नाम प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा, बट हाँ, क्यू एन ए, मोस्ट एम्बेरसिंग मोमेंट ऑफ योर लाइफ, स्कूल लाइफ। तो यार देखो यार एम्बेरसिंग मोमेंट तो यार बहुत सारे होते हैं, बट कैसे समझाऊं। एंड नेक्स्ट फेवरेट एनिमे, ओरेगैरू वन पीस कोड गया, ऐसे तीनों को मैं टॉप पे रखता हूँ। नेक्स्ट फेवरेट गेम होराइजन जीरो डॉन, योर फर्स्ट एवर गेम इन मोबाइल एंड पीसी, मोबाइल में सांप सीढ़ी खेला होगा मे बी मैंने, देख लो हाँ, और पीसी का तो पहला गेम मे बी वाई सिटी या जी टी सैन एंड्रियास मे बी, और फिर रैपिड फायर डेमन स्लेयर जुजुत्सु काइज़न डेमन स्लेयर इंटेल और एएमडी। देखो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा कॉम्पिटिशन आए तो इंटेल, नहीं तो एएमडी बेटर ही, आपको तो पता ही है। बाय द वे लव योर वीडियोस भाई, कीप ग्रोइंग, तो थैंक यू भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्वित सिंह की तरफ से, क्यू एन ए, फेवरेट कार इन फोर्ज़ा होराइज़न। देखो भाई फोर्ज़ा होराइज़न में ना मेरी कोई वैसे पर्सनल फेवरेट गाड़ी तो नहीं है, मैं कोई भी कार उठा लेता हूँ गेड़िया मारने के लिए, बढ़िया कुछ भी, मैं तो बोलता हूँ कि कोई भी गाड़ी ले लो बढ़िया है। युवराज मैदान कोई सवाल नहीं है, बस एक शाउट आउट दे दे तो भाई युवराज मैदान को एक बहुत बड़ा शाउट आउट। फिर नेक्स्ट है अनिरुद्ध पांडे की तरफ से, ब्रो बेस्ट एनिमे फॉर बिगिनर्स लाइक मी, तो भाई देखो लोग तो भाई डेथ नोट सजेस्ट करते हैं, बट मेरे को डेथ नोट इतना पसंद नहीं आया, तो एक हॉट टॉपिक है ये कि लोग अब बोलेंगे देखो डेथ नोट कैसे पसंद नहीं आया, बट पर्सनली मेरे को पसंद नहीं आया। तो आप कुछ भी देख सकते हो, मैंने तो इरेज देखा था, आप डेथ नोट भी देख सकते हो, मैंने तो इरेज से शुरू करी थी, तो आप इरेज देख लो। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यश सिंह राजपूत की तरफ से, #QNA, आपके दूसरे यूट्यूबर्स के साथ कैसे रिलेशन है। और तो भाई मेरे दूसरे यूट्यूबर्स के साथ, मेरा पीसी वाले टेक्नीशियन ये सब मेरे फ्रेंड है, और अगर आप मेरे ही जॉनरा वाले बोल रहे हो तो मेरी ज्यादा लोगों से बात नहीं होती, तो सॉरी मैं बता नहीं पाऊंगा, मैं ज्यादा मेरी बात नहीं होती ज्यादा लोगों से। और जो लोग पायरेसी स्कैम प्रमोट करते हैं उनके बारे में क्या बोलना है, तो भाई क्या ही बोलना है, देख लो भाई पायरेसी प्रमोट, देखो यार लोग बोलते हैं कि मैं पायरेसी प्रमोट नहीं कर रहा हूं बट पायरेसी की वीडियो बनाते हैं, तो हिपोक्रेसी कहते हैं किसी इसको या क्या कहते हैं, देखो भाई अपनी बात को कॉन्ट्रेडिक्ट मेरे को नहीं पता भाई, देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है लियोन की तरफ से, ब्रो एक ट्यूटोरियल वीडियो बना दो जिसमें तुम सबको तुम बता सको कि कैसे अपनी वॉइस एंड सारे बैकग्राउंड नॉइस को क्लियर करते हैं। तो देखो मैं तो यार OBS ही करता हूँ डायरेक्ट, मैं पहले यूज करता था क्या कहते हैं अपना ऑडेसिटी, बट अब इतना नहीं करता क्योंकि मेहनत होती डबल वाली, OBS में डायरेक्ट हो सकता है इजीली, आप मैं बना दूंगा एक वीडियो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है वुल्कन टेक टिप्स की तरफ से, तू बता ये गांजा और वीड सस्ते रेट में कहां मिलेगा, भाई यार मैं कैसे बताऊं यार भाई, मैं थोड़े ना बेचता हूं। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एनियन हर्षुल की तरफ से, ओ ये मेरे मेंबर भी हैं और इनका मेंबरशिप 2-3 महीना भी हो गया मैं देख पा रहा हूं, या अगर आप लोगों ने मेंबरशिप ज्वाइन नहीं करी तो जरूर से डाल दीजिएगा, मैं आपके क्वेश्चंस के सारे रिप्लाई देने की कोशिश करता हूं आप लोगों के। और फिर जो नेक्स्ट है Q&A वाइफू, मेरी वाइफू तो यार भाई अब वाइफू तो वाइफू होती है भाई, ओरेगैरू से युकिनो है, फिर वन पीस की तरफ से आती है मेनली मेरी बोआ हैंकॉक नामी रॉबिन ये सब है, और फिर आपकी रियाज गैमरी और अकेनो तो सबकी होती है और भी है कुछ ठीक है। फिर YouTube यूजर, अगर एनिमे सॉन्ग या थीम्स यूज करते तो कॉपीराइट आ जाता है, तो भाई कॉपीराइट भाई आ जाता है भाई, कितने लोगों के चैनल मैंने अपने आंखों के सामने बंद होते हुए देखे हैं, तो भाई आता है और बड़ी दिक्कत हो जाती है। मैंने भी गैम्बिट सनपाई इसलिए रखा था कि मैं एनिमे और गेम्स की वीडियोस बनाऊंगा, बट एनिमे की वीडियोस इसलिए नहीं बना पा रहा क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है, तो मैं फेस कैम का वेट कर रहा हूं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन रोहन मिस्त्री की तरफ से, फेस कैम क्यों नहीं करता, तो भाई कैमरा होना चाहिए उसके लिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेक्टर 7979 की, हु इज द बेस्ट ओवरक्लॉक
ओवरक्लॉकर इन इंडिया। तो देखो भाई, मैं एक ही ओवरक्लॉकर को जानता हूँ, वो है पीसी वाले। मैंने किसी और को नहीं देखा, तो किसी की फीलिंग्स मैं हर्ट नहीं करना चाहता, बट हाँ मैंने सिर्फ पीसी वाले को देखा। तो भाई पीसी वाला बेस्ट आई गेस मेरी नजर में, क्योंकि मैंने और किसी को नहीं देखा। मेरी नजर एकदम सीधी है, मैं कुएं में से आसमान को देख रहा हूँ कि भाई मेरे को सिर्फ एक ही चीज दिख रही है, तो पीसी वाला दिख रहा है, तो भाई पीसी वाला बोलूंगा। तो चलो एक लास्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ निशित अरोड़ा की तरफ से, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस क्यूएनए का। मैं बोलते बोलते थक गया हूँ, और ये अच्छा क्वेश्चन है, तो ये आपको मैं बता देता हूँ। #QnA हाउ डिड यू स्टार्ट दिस चैनल। तो भाई देखो, मैंने आपको जैसे कि पहली बता दिया, और मैं आपको फिर से बता देता हूँ, आयुष ने और मेरे को पीसी वाले ने मेरे को बहुत ज्यादा बोल देते कि यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर। तो मैंने बोला कि चलो यार स्टार्ट कर ही देते हैं, और मैं लंबे टाइम से सोच भी रहा था, तो मैंने बोला कि कल करना से बढ़िया आज ही कर लेता हूँ। तो मैंने एकदम से चालू कर दिया, और अच्छा किया मैंने चालू कर दिया, शायद से मेरे को पहले करना चाहिए था, बट जो भी है। और फिर आगे है कि वॉज देर आर लो पॉइंट वेयर यू थॉट यू शुड क्विट। तो भाई हर किसी के में आता है गैस ये चीज, मेरे हिसाब से तो हर किसी में आता है, और ये आना नॉर्मल है मेरे हिसाब से। तो भाई बहुत बार ही आया है, क्विट करने का नहीं आया मेरे पास इतना एकदम तगड़ा वाला कि क्विट कर दे, क्विट एज अ क्विट का मेरे को कभी नहीं हुआ। हाँ कभी कभार लो मोटिवेशन होती है, वो तो हर किसी को ही होती है, कभी कभार लो पॉइंट तो आ ही जाता, तो वो नॉर्मल है मेरे हिसाब से। तो बस ये वाली Q&A की वीडियो यहीं तक थी, ये बहुत बड़ी वीडियो हो चुकी है, मेरे को उसको पता नहीं कितना ट्रिम डाउन करना पड़ेगा, और फास्ट फॉरवर्ड तो नहीं करूंगा, बट ठीक है, देखते हैं कि कितना लोग इसको पूरा देखते हैं, कितना लोग इसको पूरा नहीं देखेंगे। बट जो भी है, ये वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आती है, तो वीडियो को जरूर से लाइक कर लीजिएगा, और आप Q&A देख रहे हो तो मे बी आप पुराना ही हो, तो मेरे हिसाब से आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, बट अगर नहीं किया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आप Q&A वीडियो देख रहे हो, तो मे बी आप मेरे चैनल को पसंद करते हो, तो अगर आपको मेरे चैनल को सपोर्ट करना है, तो आप मेरे चैनल की मेंबरशिप ले सकते हो, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में अमेजोन की एफिलिएट लिंक मिल जाएगी, उससे आप कुछ भी शॉपिंग करोगे तो चैनल को ही सपोर्ट मिलेगा। नहीं तो आप मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर सकते हो कोई भी बात करने के लिए, तो आपके लिए कॉन्वर्सेशन तो खुला हुई है, जैसे मर्जी आप यूज कर सकते हो। फिर से आपको कोई सवाल है तो जरूर से डाल दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा।